मैं सांसो मिनट करता हूँ, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से मजे होंगे। हम लोग का वो जो कबूतर था वो हम लोग ने जो चेंज कराया था अंकल से, वो वहाँ जाके बैठ गया, लेकिन वो हमारा पल गया। कल वो भाग गया था, फिर सुबह में हम लोग आए थे, ऊपर बैठा हुआ था हमारी दीवार से, और वहाँ से वो अंकल कबूतर उड़ा रहे हैं, उनके साथ ना मिल जाए। नहीं मिलेगा, वो एक दिन बाद आया है, कल वो चला गया था वहाँ इतनी दूर, फिर लेकिन सुबह यहाँ बैठा हुआ था इधर, लेकिन ये वापसी पता नहीं जाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जाया जा रहा है। अभी वहाँ जाकर बैठ गया था, फिर वहाँ से भी आ गया, जगह जगह जा रहा है, वहाँ से वापसी आ रहा है। अभी देखेगा वहाँ से भी वापसी आ जाएगा ये कबूतर, क्या पता नहीं आए चले भी जाए, क्योंकि वो अपने कबूतर उड़ा रहे हैं ना, लेकिन आएगा क्योंकि वहाँ पर भी कल इतने सारे कबूतर उड़े थे और ये वापसी आ गया था, और ये लोग अभी पतंग उड़ाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। और हमारे ये जो लका कबूतर हैं, लका नहीं कौन से पता नहीं, और ये यहाँ पर हमने इनको बंद कर दिया है, क्योंकि ये सुबह दो दफ़ा निकल चुके हैं, सुबह एक दफ़ा निकले थे बाहर निकल गए थे, फिर हमने इनको बंद करा थी मुश्किलों से, और अभी दोपहर में दोबारा निकल गए थे, ये अभी दोपहर में दोबारा निकले थे ये दोनों, फिर हमने इनको पकड़ के इतनी मुश्किल से बंद करा। ये वाला नर जो है ये तो सोलर पर बैठ गया था हमारे, और फिर दीवार पर बैठने ही वाला था, यहाँ जिसके सोलर पे बैठा, फिर यहाँ से दीवार पे बैठने वाला, लेकिन फिर गिर गया नीचे यहाँ पर, इधर ही गिरा, फिर हमने आराम से नीचे से पकड़ लिया। और अभी वो वहीं पर बैठा हुआ है, वहाँ से आ जाएगा। और मालूम लाइए इनके लिए पालक तोतों के लिए, और हम ये तोतों को डाल देते हैं, आ जाएंगे अब इनको डालते हैं। ये वो है कबूतर पे जो चिपकता है, पता नहीं पानी में कौन सा कीड़ा गिर गया है। और हमारे कबूतर सामने बैठे हैं सारे, और वो हमेशा की ना वहीं बैठे रहते हैं, हर वक्त उड़ते ही नहीं है। कल उड़े थे एक दफ़ा, और ज़्यादा उड़े थे, इतने सारे लग रहे थे, ऊपर ऊपर उड़े थे। काली वाली बच्चा मरा हुआ पड़ा हुआ था उसका, और हमने आपको काली वाली का बच्चा नहीं दिखाया था, क्योंकि काली वाली का बच्चा जब नहीं निकला था, और काली वाली का बच्चा अभी मर गया है, कल आज सुबह बल्कि आज सुबह मरा था, तो हमने कब्बो को डाल दिया, और कब्बे ले भी गए थे उसको, और अभी एक ही बच्चा बचा बेचारा, और ब्राउन वाले का बच्चा भी निकल चुका, इसके अंडे में से भी बच्चा निकल गया है, आपको दिखाते हैं। ये देखो माशाल्लाह से, ये ब्राउन वाले का बच्चा है, और एक लाल वन भी आई थी वॉशरूम में, और ये फौरन से जाकर बैठ गया अपने अच्छे के ऊपर। और ये शिराजी है, इसका भी बच्चा है, वो इसकी कबूतरी का जो अंडा था वो उसका बच्चा तो मर गया आज सुबह, और लेकिन काला वाला भी सही है, और ये मारता बहुत ज़ोर से। और लालवन ने भी कल एक अंडा दिया यहाँ पर, नीचे अंडा दिया ज़मीन पर, और वो उस पर छड़ी भी खोदी और तोड़ दिया इसने, इसके काम यही अंडे देती है और तोड़ देती है, और इसको भी हमने बंद करा हुआ है, क्योंकि ये सब कबूतरों को हमारे बिठा देता है सामने। और कल नफ्ता ये जो है सुफियान का, ये पता नहीं कहाँ गायब हुआ था, फिर लेकिन अचानक से आ गया था ये, इसके खून की गली फटी हुई थी, और कल एक लालवन भी आ रही थी नीचे हमारे वॉशरूम के अंदर आके गिर गई थी मौके से, फिर हम उसको पकड़ने जा रहे, लेकिन वो उड़ गई थी अचानक से, और बार बार वो आ रही थी, लेकिन वो बताऊँ उनकी थी वहाँ पर जो है उनकी थी वो, और उन्होंने फिर उनके पास ही वापसी चली गई, उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी लेकिन उसकी धूम ही निकल गई थी। और मानो ने यहाँ पे क्या कर रही हो, इसको पालक खिला रही, मानो ने इसको चावल भी रखे हैं, और फिर जब पूरा ख़राब हो रहा है ये गेट, ऐसे गिरता है और कबूतर जब भी बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पर ही बंद कर दिया है, लेकिन हम इनको फिर रात के टाइम उसी में बंद करेंगे इस पिंजरे में, क्योंकि यहाँ पर डर होता है कि छुपा ना आ जाए। और सुफियान की पतंग बार बार गिरी है, सुफियान को उड़ाने नहीं आ रही, और हमारे वो जो नीचे वाले हैं उनके पास भी कबूतर हैं,
नहीं वहीं पर ही है, नहीं है वहीं है, नहीं। उनके पास कबूतर थे तो उनके दो कबूतर भाग गए। आज हमारी छत पर एक आया था, हमने उनको पकड़ के दे दिया था, काला था वो, टंकी पर आया और हमने उनको पकड़ के दे दिया था। हम तो सो रहे थे और एक कबूतर उनका कहीं चला गया और किसी ने पकड़ लिया, और एक कबूतर यहाँ बैठा हुआ था इधर सामने छत पर कोने पे बैठा हुआ था। फिर वहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ जा जा रहा, वो दिख ही नहीं गया कहाँ पर गया। और जल्दी से वो भी कबूतर आ जाए, फिर हम सबको उड़ाएंगे। और लालबन दूसरा अंडा कल देगी, कल इसने एक अंडा दिया था और वो ज़ाया कर दिया था। और हमने इसको इसलिए नहीं खोला क्योंकि इसकी खून की कली फट गई थी कल जब ये गायब हुआ था, इसकी खून की कली फट गई थी। और फिर ये वापसी आया था अचानक से, यहाँ पर आके बैठ गया था, फिर हमने इसको पकड़ लिया और देखा तो इसकी खून की कली निकली हुई थी। और सुफियान ने बढ़ा ली पतंग, गिर गए फिर। और ये हमारे तोते हैं और ये पता नहीं दोबारा से कब अंडे देंगे। तोती तो बैठी हुई अभी मटकी है लेकिन अंडे उसने अभी तक नहीं दिए, पता नहीं कब अंडे देगी। जब देगी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे हम। ये अंदर डाल दूँ, ये खा लेगा, देखें खाने के लिए आ रहा है। और ये काट भी लेते हैं कभी कभार तो। और ये सारी पालक डाल दी मैंने इसके अंदर और अब ये खा लेगा सारी। और आज कबूतर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं छत पे, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने जा रहे हैं। और मैं जब यहाँ खड़ा हुआ था तो एक वहाँ से काला कलर का कबूतर आके बैठ गया, फिर मैं कबूतर खोलने लगा और उड़ के चला गया। और हमने कब से कोई कबूतर भी नहीं पकड़ा, बहुत दिन हो गया मैं कबूतर पकड़े हुए। और वो वहीं जाकर बैठ गया वहाँ से, ये वहाँ के लग रहे हैं उधर के, अभी भी थोड़े थोड़े उड़ रहे हैं लेकिन बाकी बैठ गए। वो जो उड़ा रहे हैं ना वहाँ पर, वहाँ से उड़ रहे थे, पूरे छत पे फैल गए थे इधर उधर, सारे वाइट ने ना उनके। सुफियान ने इसके पायल निकाल दिए ना तो ये खड़ी नहीं हो पा रही, इसके पायल नहीं पाऊँ मैं। और निकल भी आराम से गए थे, ये कमज़ोर हो गए, इसके पाँव पहले नहीं निकल जाते क्योंकि पहले इसका पाँव मोटा था ना, अब पतला हो गया इसका पाँव तो निकल गए थे पायल। और ये देखें फिर से आ गए, यहीं बैठ गया, ये हमारा पल गया। कहाँ कहाँ से आ रहा है ये, दो मोर तो आ गया। तीन दिन में कोई कबूतर पलता भी नहीं था हमारा, हमने इसके पर पले पल गया। हाँ जिसके पास होगा क्या वजह उसका पलने वाला होगा।